गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का 9 बज रहा है और पहले आप मेरा डांस देख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। और मॉर्निंग का 9 बज रहा है और आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत आलस आ रहा था। वैसे मैं उठ गई थी 7:30 बजे, फिर चाय नाश्ता कर लिया, हवी चले गए शॉप पर और बाबू जो है उसको ऊपर भेज दिया, और उसके बाद मैं फिर से लेट गई। और कब यार पता नहीं इतना आलस आलस सा लग रहा था। एक तो फ़ोन उठा लिया ना, मॉर्निंग में फ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए, और उठते ही यार सबसे पहले तो डांस करना चाहिए। मतलब अगर आप हाउस वाइफ हैं वाइफ है, कुछ भी हैं यार, मॉर्निंग में अगर एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो सबसे पहले कम से कम 1 घंटे तक डांस करो और उसके बाद कोई काम करो। जो भी मैं मतलब सास वगैरह मेरा ब्लॉग देखेंगे कहेंगे इसके पास कोई काम नहीं है, बस मॉर्निंग में उठो डांस करो। खुद करती है, दूसरों को भी सिखा रही है, सारी बहुओं को बर्बाद कर देगी ये बहू। तो नहीं यार बर्बाद नहीं कर रही हूँ, लेकिन अच्छा लगेगा, आपको खुद अच्छा लगेगा। पता है पहले मैं जब भी उठती थी मैं डांस करती थी, क्योंकि तब हबी रहते थे ना घर पे, तो थोड़ा सा देखते थे और फिर पता है मेरे से बोलते थे कि तुम भोजपुरी डांस क्यों करती हो, तो अच्छा लगता था। लेकिन आज मैंने सोचा नहीं यार मैं पहले के जैसे रोज़ डांस करूँगी, तो आज मैंने कोई देखने वाला नहीं था लेकिन मैंने मिरर में ही देख के कर लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने बालों में तेल लगा लिया क्योंकि मुझे आज हेयर वॉश करना है। और काम करते करते ही मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो यार काम करते करते बात कर लेते। और यार सच बताएं ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, आप काम करते रहो, काम का पता भी नहीं चलेगा और बात भी हो जाएगी। मतलब दो चीज़ों के साथ क्या होता है, 2-in-1 कुछ ऐसे ही होता है ना, वो आप कर सकते हैं। तो ये सबसे सही तरीका है, मतलब सबसे बेस्ट टाइम है कि काम करते रहो बात करते रहो, क्योंकि यार आपको पता है ना हाउस वाइफ और कुछ भी हो यार, सबके पास बहुत ज़्यादा आजकल बिजी लाइफ हो गई है, किसी के पास टाइम तो रहता नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि हम लोगों के पास यार अपने ही इतने काम होते हैं, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, वाइफ हैं, माँ हैं, बहू हैं, बेटी हैं, बहुत कुछ हैं यार। तो बहुत सारे काम रहते हैं ना, घर के ही इतने काम रहते हैं, अपने ही इतने काम रहते हैं ना कि टाइम नहीं मिलता है। लेकिन बात करना भी बहुत ज़रूरी है लोगों से, क्योंकि अगर आप बात नहीं करोगे तो लोगों से कट जाओगे। और सच बताएं यार दुनिया में होता कोई नहीं है, अपने जो होते हैं अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स जो होते हैं ना, जो पुराने फ्रेंड्स होते हैं अपने रिलेटिव थे, यही एक दूसरे के काम आते हैं। अगर आप सोचो ना कि कोई और मतलब आपके काम आ जाएगा तो कोई नहीं आता है, बस अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव और आस पड़ोस के मतलब कुछ ही लोग होते हैं जो काम आते हैं, तो उनसे अपने रिश्ते हमेशा अच्छे से बना के रखो। पार्टी किया है बाबू? पार्टी किया है बाबू? पार्टी किया है? देखो फोन में इतना बिजी है कि जाएगा तुम्हें। बंद करो जल्दी बंद करो। हाँ चलो छिया किया है, चलो जल्दी चलो छिया किया है तुमने। हाँ चलो, हाँ छिया जल्दी चलो। देखो पोछा धुलना भूल गए। अभी जो है वो खाना वगैरह खा के चले गए। मैं नहा चुकी थी और खाने में मैंने बनाई थी खिचड़ी और दही, क्योंकि पता है कल जो है ना हबी का मतलब पेट दर्द हो रहा था और उनको बहुत वोमिट हुई थी, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुई थी, इस वजह से उन्होंने बोला कि कुछ ज़्यादा मत बनाना और बस खाली खिचड़ी बना दो और दही दे दो, बस वही खाएंगे। तो मैंने वही बनाया था तो वो खा के ही गए, तो मैं क्या दिखाती खिचड़ी में। और बस मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, मैं सोच रही थी मैं इक्का दुक्का रील्स बना लूँ, मेरा मन कर रहा था थोड़ा सा रील्स बनाया, बहुत दिन से नहीं बनाया, बहुत दिन से, और काम बहुत से हैं मेरे पास अभी भी, बट मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है अभी करने का, तो मैं नहीं करूँगी। और मैं चलती हूँ अभी इक्का दुक्का रील्स बना लेती हूँ, क्योंकि एक दो सॉन्ग ऐसे मिल जाते हैं ना मन करता है बस यार बना ही डालो, तो वैसा ही मुझे एक सॉन्ग मिल गया है और मैंने 2-3 रील्स बनाई हैं। और उसके बाद आ गई हूँ रूम में और पता है मुझे फीवर लग रहा है, मतलब आंखें एकदम गरम गरम सी लग रही हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी भी लगने लगी है, तो मुझे लग रहा है मुझे सोना चाहिए। और क्योंकि इस टाइम पे मौसम चेंज हो रहा है ना तो तबीयत ख़राब हो जाती है, और पता नहीं यार आंखें एकदम गरम लग रही हैं, बहुत गर्म। पता है आज दिन में खिचड़ी बनाई है ना, तो सोच रहे थे रात में भरने वाले जो बैंगन है ना कलौंजी कुछ लोग बोलते हैं, तो वो बनाऊँगी, लेकिन यार तबीयत ख़राब लग रही है। अब मैं सोच रही हूँ कि बज रहा है 4, मैं सोऊं लेटूं या ना लेटूं, क्योंकि पापा गए हैं आज थोड़ा काम से बाहर, मॉर्निंग में ही गए थे तो वो भी आ रहे होंगे, तो अगर मैं सो जाऊंगी तो वो पता चले कि वो चाय नाश्ता कुछ मांगेंगे ही नहीं खाना वगैरह, और पता चले वो ऊपर बैठ जाएंगे जाके कुछ नहीं मांगेंगे। देखो मच्छर कितने हो गए, देखा बहुत मच्छर आ गए हैं, तो वो मांगेंगे नहीं, इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि सोऊं मतलब लेटूं या ना लेटूं। अरे कहाँ जा रहे हो? बाबा इसने आवाज़ सुन ली है।
और अभी ने ये टेबलेट भेजी है, जल्दी जाओ। बाबा है क्या? देखो कॉफी बना दे फिर। अरे रुको यार, अरे रुको यार, बाबा है क्या? देखो, अरे यार और अभी आ गए हैं पापा। और पता है यार, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं कुछ बनाऊँ ना बैंगन वगैरह, लेकिन क्या करूँ। और ये देखो बैंगन जो है ना यार, बैंगन इधर लाए थे ये बनाने यार, लेकिन बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं बनाऊँ, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। और ये देखो ये ख़राब भी हो गया, ये ख़राब हो गया है। इधर टमाटर, मन ही नहीं कर रहा यार मेरा कुछ करने का। चलते हैं सबसे पहले, ये देखो पूरा दूध में मलाई मलाई यार, दिमाग ख़राब हो गया है। और अभी पापा आ गए हैं, तो जब तक पापा हाथ पैर धुलेंगे तब तक हम बना देते हैं पापा के लिए कॉफ़ी। और ये सब्जियां वगैरह धुल के रख देते हैं, और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले जाके ले लें मेडिसिन, जिससे थोड़ा सा आराम मिले। धुल के रख दिया है और चलते हैं दवाई खा लेते हैं, क्योंकि पता है मेरे ठंडी बहुत लग रही है, बहुत सर दर्द भी हो रहा है, तो दवाई खा लेते हैं और थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, मतलब 10-15 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उठेंगे तो बनाएंगे। मन करेगा तो, मन भी नहीं कर रहा है पता नहीं क्यों। ये देखो इससे कपड़े देखो कितने हो गए हैं, ये देखो सब मेरे ही हैं। तो चलते हैं पहले दवाई खा लें। इस टाइम पे ना फीवर और बुखार जुकाम की दवाइयाँ जो है ज़रूर रखें अपने पास। मैं दवाई खाने में बहुत आगे हूँ। गई एक साथ पानी चला गया, 5-5 6-6 खा लेती हूँ। कोई यार मेरी बहन है ना, रख के बैठी रहती है, कम से कम 2 घंटे निकाल देती है दवाई खाने में। दवाई नहीं खाती है वो जल्दी। और ये रहा सबसे बेकार काम, धनिया साफ करना। यार धनिया साफ करना मुझे बहुत बेकार लगता है। और यहाँ मैं काटने लगी हूँ बैंगन, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि बैंगन कैसे काटते हैं। वैसे सबको पता होगा बैंगन कैसे काटते हैं, लेकिन मैं दिखा रही हूँ क्योंकि ये मेरा ब्लॉग है ना, तो ब्लॉग में दिखाना बनता है। तो इस तरीके से हम बैंगन सारे काट लेंगे। पहले सबसे पहले बैंगन को धुल लिया था, उसके बाद इसको पोंछ लिया था, उसके बाद ये बैंगन काट लिए हैं। और उसके बाद इसमें मसाले डाले, मतलब मसाले भरेंगे, और भरते वही मसाले हैं नॉर्मल जो भिंडी परवर और कुंदरू इन सब में भरते हैं, वही वाले मसाले ये है। इसमें है जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया, हरा मिर्च नहीं मतलब लाल मिर्च, और आमचूर पाउडर थोड़ा सा, और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया और तेल डाल दिया है थोड़ा सा, जिससे कि अच्छे से मतलब इसमें भरते बन जाए। और बस इसमें सारे भर देंगे, और दूसरी साइड में कढ़ाई हमने चढ़ा दी है गैस पर। ये देखिए इसमें तेल डाल दिया है, और तेल जो है ना गर्म हो जाए फिर इसमें बैंगन डाल देंगे जो हमने भरे हैं, और उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर नमक डाल देंगे जिससे कि ये थोड़ा सा जल्दी गलता है। और पता है मेरी एक फ्रेंड बता रही थी, उसके यहाँ बस ऐसे ही मतलब इसको ढक के पका लिया जाता है और ऐसे ही दाल चावल के साथ खाया जाता है, लेकिन हम लोग जो है ना ग्रेवी वाले बैंगन बना रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरी साइड में हमने काटा है थोड़ी सी अदरक, प्याज और लहसुन, इसको अच्छे से काट, और हाँ हरा मिर्च भी डालते हैं। हरा मिर्च मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही तीखा खाती हूँ ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसका भी पेस्ट बना लेंगे। और दूसरी साइड में जो बैंगन है वो पक रहे हैं, अच्छे से पक जाते हैं, तो इसको निकाल लीजिए, फिर उसके बाद मसाला डालिए। लेकिन आज हम ऐसे ही बना रहे हैं नॉर्मल सिंपल सा, तो मतलब सिंपल सा नहीं, जल्दबाजी वाला बना रहे हैं। तो बस तेल क्योंकि ज़्यादा रहता है, तो उसको थोड़ा सा बैंगन मैंने साइड में कर दिया था, और डाल दिया ये मसाला पूरा, और फिर ये धीरे धीरे से पकता रहेगा। और दूसरी साइड में हम काट लेते हैं टमाटर, क्योंकि टमाटर की भी ग्रेवी पड़ती है, तो टमाटर को भी पीस लेते हैं। और उसके बाद फिर देखिए ये मसाला अच्छे से हो चुका है, देखिए इसको मैंने निकाला नहीं था, फिर भी देखो अच्छे से हो गया है। बैंगन के साथ में भी मतलब बैंगन और अच्छे से ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है ऐसे बनाओ तो। और यहाँ पे मसाला जो ये अच्छे से हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर वाला पेस्ट। और ये देखिए इसको भी अच्छे से मतलब थोड़ा सा नमक डाल के बस इसको ढक देंगे, और ये अच्छे से जब तक मतलब ये तेल पूरा सेपरेट ना कर दे, जब तेल इसका सेपरेट होने लगता है ना तो बहुत मतलब तभी ये अच्छा बनता है। और ये देखिए तेल जो है वो सेपरेट होने लगा है, थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में, लेकिन ऐसे भी बनाओ तो बन जाता है। आप चाहो तो बैंगन निकाल के भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। और दूसरी साइड में हमने दूध चढ़ा दिया है कॉफ़ी बनाने के लिए, और ये देखिए बन गया है। और अभी हम चावल भी चढ़ा देंगे, और रोटी बनेगी जो रोटी बनाएंगी ऊपर दीदी। तो चलते हैं, हमारी कॉफ़ी भी, ये पूरा बन गया है सब्जी, अब हमारी कॉफ़ी भी इधर बन गई है। अब चलते हैं हम गर्मा गर्म कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और यहाँ आ गया हमारा बाबू, और बाबू ने मम्मा को मारा है। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो,
सॉरी बोलो, बोलो सॉरी सॉरी। फोन गया, फोन गया, लो गया, फोन गया, फोन गया, आ गया। ये बाबू कैसे बोलते, चिड़िया बोले फोन गया। हाँ फोन गया, चिड़िया बोले शैतान, चिड़िया बोले फोन गया, फोन गया। और यहाँ हबी लेकर आ गए हैं मोमोज, क्योंकि मम्मी इस टाइम पे खाना नहीं खाती हैं, तो मोमोज लेके आ गए हैं, हो सकता है वो खा लें। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।